हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल सीमास किचन में। आज मैं आपको बताऊंगी पनीर और आटे की स्वादिष्ट जलेबी। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ मैंने लिया होममेड पनीर और पनीर को ऐसे मैंने क्रश कर लिया। अब इसमें मैं डालूंगी गेहूं का आटा। आप चाहो तो इसमें मैदा भी डाल सकते हो, लेकिन मैं गेहूं का आटा यूज़ करूँगी। यहाँ मैंने 4 चम्मच गेहूँ का आटा लिया है और एक चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और आधे से भी आधा चम्मच लिया है मैंने बेकिंग पाउडर। अब इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ मैंने आधा कप दूध लिया है, जिसे थोड़ा थोड़ा करके डाल के और मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। चलिए ग्राइंड कर लेते हैं इसे। ये बचा हुआ दूध पूरा डाल देते हैं इसमें। ये देखिए, इस प्रकार की कंसिस्टेंसी रखनी है इसे। अगर आपके पास जलेबी बनाने का सांचा नहीं हो तो आप दूध की थैली का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने किया है। ये देखिए इस प्रकार। ये मेरे पास पहले की चाशनी बची हुई थी, जिसका यूज़ किया है मैंने। वैसे चाशनी बनाने के लिए आप मेरी इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, इस आई बटन पे। इसे मैं गरम कर लूँगी। ये देखिए, इसका मुंह मैंने कट कर लिया है। तो चलिए जलेबी बनाते हैं। और यहाँ मैंने तेल गरम कर लिया है। तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, एकदम हल्का गरम होना चाहिए। ये देखिए, फर्स्ट जलेबी तो सबकी बेकार ही बनती है, जैसे मेरी बनी है। ये देखिए, सेकंड भी मेरी बेकार ही बनी है। ये देखिए इस प्रकार। जो तीसरी जलेबी बनी है वो मेरी अच्छी बनी है, उसके बाद में सब अच्छी ही बनी है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए मेरी ये रेसिपी। ये भले ही ऐसी बनी है, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगी। मेरे घर में सबको पसंद आई ये जलेबी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए और मेरी मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। और मेरी वीडियो को पूरा देखिए। ये देखिए इस प्रकार। अब कितनी अच्छी बन रही है जलेबी। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए। ये देखिए कितनी अच्छी और करारी जलेबी बनी है। अब जैसे जैसे मैं बनाती जाऊंगी, वैसे वैसे चाशनी में इनको डुबाती जाऊंगी। और डुबाने के 1 मिनट बाद इनको वापस निकालूंगी। हमको ज़्यादा देर डुबा के नहीं रखना है इसको। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरी और वीडियो देखने के लिए। ये देखिए, चाशनी में डुबा के वापस बाहर निकाल लेना है 1 मिनट बाद। आप भी इस प्रकार बना के ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस प्रकार मैं सारी जलेबी बना लेती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।